स्वागत है आप सभी का मायापुर लेडी स्पेशल टॉक शो के आज के एपिसोड में। तो बहुत ही सुंदर वातावरण है मायापुर में फेस्टिवल्स का। पहले जन्माष्टमी, फिर राधाष्टमी और अभी भाद्र पूर्णिमा के अवसर पर बहुत ही सुंदर प्रोग्राम मायापुर में आयोजित हो रहा है। आई होप आप सभी मायापुर टीवी से जुड़े हुए हैं और लगातार जुड़े रहिए। लगातार मायापुर टीवी पर सारे प्रोग्राम्स को आप देख सकते हैं। तो आज के हमारे प्रोग्राम में आज हम एक टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, वर्किंग वुमेन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम देखते हैं कि माताजी अक्सर अपनी घर की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए बाहर जॉब करती हैं, काम करती हैं। कुछ सिचुएशंस हाँ वैसी होती है जिसके कारण उनको जॉब करना होता है, या किसी किसी का पैशन भी होता है। तो उस सबको ध्यान में रखते हुए हम आज इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ हर बार की तरह तीन स्पेशल गेस्ट हमारे साथ उपस्थित हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे साथ उपस्थित हैं सर्वनंदिनी वर्मा माता जी। तो थैंक यू सो मच माता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं माता जी से सबसे पहले प्रार्थना करूंगी, अनुरोध करूंगी कि माता जी आप किस प्रकार से भक्ति जीवन में आपका आगमन हुआ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबेसेंसेस। ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद। ये जन्माष्टमी का दिन था 2020 में। तब मुझे एक लिंक मिला जिसमें मुझे ऑनलाइन गीता कोर्स में मैं एनरोल किया। मैंने एनरोल करके 18 डेज का कोर्स में मैंने गीता कोर्स किया, कंप्लीट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मुझे ऐसा लगता था मैं गीता पढ़ती थी, मेरे पापा बहुत बोलते थे कि गीता पढ़ा करो, दैट्स द मैनुअल ऑफ लाइफ। पर ऐसा हो गया था बीच में कि गीता पढ़ती थी ऐसा लगता था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एंड व्हाई शुड आई रीड इट। ऐसा लगता था कि ये सब तो युद्ध के बारे में बोल रहे जो कुरुक्षेत्र में हो रहे, तो इससे मुझे कैसे समझ में आएगा। मतलब पापा तो बोलते रहते कि गीता पढ़ो गीता पढ़ो, वो खुद गीता से इतने जुड़े हुए हैं और वो हर टाइम मुझसे प्रश्न पूछते रहते थे कि आप प्लीज़ ये प्रश्न का उत्तर दीजिए, उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो बहुत बार ही यूज़ टू बी वेरी हैप्पी कि आपने इस प्रश्न का बहुत बढ़िया उत्तर दिया है, आई वॉन्ट टू गिव यू सम यू नो लाइक कृष्णा कॉन्शियस यू नो अमाउंट सो दैट आप उसको यूज कर सकती है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो उस हिसाब से मैं जुड़ी जन्माष्टमी में। फिर मैंने और आगे कोर्स किया, फिर मुझे और अच्छा लगा। फिर मैंने मुझे बुला गया कि आप चैंटिंग स्टार्ट कीजिए। तो वन राउंड से मैं धीरे धीरे 4 राउंड्स गई, फिर 8 राउंड्स गई, फिर 16 राउंड्स गई। फिर बोला गया कि अभी आप लोग ने भक्ति वीक्षा कर लिया है, तो आप लोग अभी मतलब आश्रय के लिए अग्रसर हुई है। तो वहाँ पे शेल्टर लिया गुरु महाराज से, हमारे श्रील जय पता का स्वामी महाराज, हुम आई लव अ लॉट फ्रॉम माय हार्ट। फिर बाद में उनसे आश्रय लिया, फिर बाद में हम भक्ति वृक्षा के लिए मैं अग्रसर हुई। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ, टुगेदर वी हैव टेकन द भक्ति शास्त्री कोर्स। फिर बाद में एक दिन अचानक, मतलब हम लोग ने मैं मायापुर में आई हूँ 2 साल हो गए, और कृष्ण भगवान से जुड़े हुए, कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑफ इस्कॉन से जुड़े हुए मुझे 3 साल हुए। तो इसलिए मतलब मायापुर में आके मैं और मेरे हस्बैंड, मतलब पतिदेव, इतना हम लोग ट्राई कर रहे थे कि हमें मतलब गुरु महाराज का दीक्षा कब होगा। हम लोगों ने शेल्टर ले लिया था, पर हम लोग वेट कर रहे थे कि कब गुरु महाराज का आशीर्वाद हमें मिलेगा, व्हेन हिल डू द मर्सी, शावर द मर्सी एंड हिल ब्लेस अस एंड हमारी दीक्षा हो जाए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब सुबह को अर्ली इन द मॉर्निंग मेरे हस्बैंड को कॉल आया कि गुरु महाराज दीक्षा देना चाहते हैं, आपके तो सब कुछ आपने क्लियर कर लिया है, IDC कोर्स कर लिया है, इवन ऑल द थिंग्स यू हैव क्लियर, तो आप क्यों ना ट्राई करें दीक्षा के लिए। तो हम लोगों ने ये मौखिक एग्जाम नहीं दिया था, एंड तो उसी दिन मतलब हम लोगों ने मौखिक एग्जाम दे दिया, एंड देन रिटर्न भी हो गया एंड नेम भी आ गया ऑन द बोर्ड। हमारा खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और जिस दिन मेरा दीक्षा था उस दिन मैं बोल नहीं सकती हूँ,
एक्चुअली मेरा पहले दीक्षा हो चुका है 2002 में, कोई और गुरु थे मेरे। अच्छा तो मैंने जब मैंने गीता कोर्स किया था, जो मेरे पापा बहुत चाहते थे कि यू शुड डू द कोर्स, तो मैंने जब वो किया तो मैंने हमारे जो मेरे जो गुरु थे पहले, एक्चुअली जो बोला जाता है कि मतलब आप ये इस्कॉन में जब जुड़ रहे हो तो आप मतलब कुल गुरु सदगुरु ये सब जो मैंने सीखा इस्कॉन से, मेरे इंस्ट्रक्टर कोर्स इंस्ट्रक्टर ने बोला कि ये सब कोई मायने रखता अनलेस आप गुरु परंपरा से नहीं जुड़ते हैं। तो वो मुझे बहुत लग गया था, तो इसीलिए मैंने फिर सोचा कि नहीं मुझे दीक्षा ले लेना चाहिए। तो जिस दिन मेरा दीक्षा हुआ उस दिन आई वॉज क्राइंग, मतलब मैं इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि मैं मतलब मैं सोच रही थी कि ये दिन कैसे आ गया। मैं इतना ट्राई कर रही थी कि मैं गुरु महाराज से मेरा दीक्षा हो जाए, मतलब मैं और मेरे पति इतने आकुल थे कि दीक्षा बस हो जाए गुरु महाराज से, हम उनसे जुड़ जाए और गुरु परंपरा से जुड़ जाए, बस उसी की कामना थी। तो इस हिसाब से हमारा दीक्षा हुआ और हम गुरु महाराज से जुड़े, श्रील प्रभुपाद से जुड़े, उनकी आशीर्वाद से हम अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस में व्यतीत कर रहे हैं अपना समय। वेरी नाइस, हरे कृष्णा। तो देखिए माता जी ने अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया, सारा तो नहीं कहूंगी, एक छोटा सा हिस्सा हमको आज जानने को मिला है, जिसके माध्यम से हमें पता चल रहा है कि जब तक आप एक प्रामाणिक एक बोनाफाइड गुरु परंपरा से नहीं जुड़ते हैं, तब तक आप कहीं भी दीक्षा क्यों ना ले लें, उसकी कोई मान्यता नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और एक प्रामाणिक गुरु परंपरा से जुड़ने के बाद आपको बाकायदा जो ज्ञान भगवान की परंपरा से चला आ रहा है वो ज्ञान आपको प्राप्त होता है, और फिर उस ज्ञान को प्राप्त करके आप निश्चित रूप से भगवत धाम जा सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर की तरफ, जिनका नाम है अपरूपा राधिका माता जी। तो थैंक यू सो मच माता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और माता जी से भी मैं वही जानना चाहूंगी कि माता जी कैसे आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए, कैसे आप अपना भक्ति जीवन शुरू किए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, प्लीज एक्सेप्ट मैं हम लोग ओबीसेंसेस, मैं पंचांग का नाम टू ऑल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। सो मेरा जो भक्ति से जुड़ने का, लेकिन इस्कॉन से जुड़ने का जो जर्नी है वो बहुत ही पुराना जर्नी है, शायद 20 साल से ज्यादा होगा। तो तब मैं तो ऐसे कोई बहुत जो जो ट्रांसेंडेंटल फीलिंग सब कुछ शेयर करते हैं, आई फील वेरी आई फील माई सेल्फ ब्लेस्ड कि मैं बहुत छोटी उम्र से जुड़ गई थी भक्ति में, पर सेम टाइम मुझे कभी लगता है कि मैं वो सारी चीजें शायद कभी फील नहीं कर पाई जो सब फील किए हैं, क्योंकि जब मैं जुड़ी थी तो मैं काफी छोटी थी, तो उतना ज्यादा समझ नहीं था। अच्छा। पर ये था कि हम पहले से शाकाहारी थे। ओके। और मेरी जो मम्मी है, माता जी हैं, वो बहुत ही भक्तिमती थी, मतलब बहुत ही भक्ति में इंटरेस्टेड डिवोटी थी, तो उनको मतलब हर संप्रदाय, मतलब उनको तो कुछ पता नहीं था, सही संधान नहीं था, सटीक संधान नहीं था, तो वो हर किसी स्पिरिचुअल ओकेजन हो रहा हो, कहीं पे भी कुछ हो रहा हो, तो वो वहाँ पे फुल लाइक फुल एनर्जी के साथ उधर पहुँच जाती थी, मुझे भी लेके चली जाती थी। तो शायद तब मैं सेकेंड या थर्ड क्लास में होंगी, तो मेरी जो मेरी मम्मी जो है वो नर्स है बाय प्रोफेशन, तो कोई डिवोटी माता जी थी जो जिनको मदद चाहिए था, कुछ मेडिकल हेल्प चाहिए था, तो इसीलिए उनके साथ मम्मी के साथ वो जुड़े पहले, तो मतलब मम्मी के साथ जुड़े, तो जिस दिन जुड़े पहले दिन आज 4 बजे शाम 4 बजे अगर वो जुड़े हैं, तो जैसे हमारे इस्कॉन के डिवोटीज होते हैं वो और मौका ढूंढते रहते हैं कैसे प्रीच करना है, तो उन्होंने मम्मी से बात किया, जो मेडिकल हेल्प लेनी थी लिया, फिर वो मम्मी की बातों से थोड़ा प्रभावित थे, मम्मी का जो डिटैचमेंट वाली बातें थे कि मुझे ये संसार अच्छा नहीं लगता, विरक्त भाव था, उससे वो थोड़ा प्रभावित हो गए, तो उन्होंने बोला कि अच्छा, वो शी स्टार्टेड प्रीचिंग, वो इस्कॉन के बारे में बताना शुरू किए, भगवद गीता के बारे में बताना शुरू किए, तो मम्मी बोली हम गीता पढ़ते हैं डेली, तो इंटरेस्टिंगली उन्होंने बोला तो हम आपको गीता देंगे, आप कौन सी गीता पढ़ते हैं दिखाइए, तो मम्मी ने जो गीता निकाल के दी वो श्रील प्रभुपाद की ही गीता थी। तो इससे पहले किसी ने मेरे हॉस्पिटल्स में जाते हैं हमारे संकीर्तन डिपार्टमेंट प्रीच करने के लिए, तो तभी मम्मी ने उनसे भगवद गीता ले लिया था और वो पढ़ रही थी करीबन 5-6 साल से,
थोड़ा 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 बढ़ रही थी, इसीलिए उनको थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग था और वो अंडरस्टैंडिंग अलाइन कर गए जो हाँ डिवोटी प्रीच करने आए, मतलब हाँ ट्रीटमेंट लेने आए थे पर प्रीचिंग कर रहे थे। हाँ तो उसी दिन शाम रात 8-9 बजे माता जी, जब मैं तो बच्ची थी और उनका जो बेटा था वो मेरा ही स्कूल का सीनियर था, एक साथ सीनियर था अच्छा मेरे से, मेरे ही स्कूल से था वो। तो माता जी प्रीच करते करते तो कि 9 बजे, तो रात 9 बज गया, वो 4 बजे आई थी, रात 9 बजे तक हमारे घर में बैठी रही। तो 9 बजे उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि बेटा आप तो वेजिटेरियन हो, आपको अगर ऑनियन गार्लिक खाने के लिए मना किया जाए तो आप नहीं खाओगे, मम्मी के साथ कोऑपरेट करोगे। तो मैंने पूछा क्यों, तो बोले भगवान बहुत खुश हो जाते हैं उससे, अच्छे नंबर भी मिलेंगे। खाने क्या हुआ, तो मैंने वो ठीक है नहीं खाएंगे। फिर उनके उसके बाद उन्होंने एकादशी के बारे में भी उसी दिन ही बता दिया था कि आपको ऐसे 15 दिन में एक बार एकादशी करना है। और मुझे याद नहीं कौन से सन्यासी उनके घर आने वाले थे 2 दिन बाद, अच्छा आई थिंक राधा गोविंद स्वामी महिजोले ने, राधा गोविंद स्वामी महाराज थे, मुझे ओके ठीक से याद नहीं कौन से सन्यासी थे, बाद में मैंने पूछा भी नहीं उनसे। अच्छा तो वो कुछ गुरुकुल के बच्चे को लेके आ रहे थे, अच्छा कुछ विदेशी गुरुकुल के बच्चे भी थे जो सन्यासी आ रहे थे। तो उन्होंने इनवाइट किया कि आप आइए हमारे घर में। तो हम गए, हमारी मम्मी जो है वो बहुत खुश हो गई, देखिए कि इतनी छोटी सी उम्र से बच्चे भक्ति में जुड़े हैं। तो इसको देख के फिर पहले ऐसे ही शुरू हुआ था मैं, मेरा भक्ति जीवन का जो इनिशियल स्टेज था। ओके और ये बहुत सालों तक चलते 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 बहुत सारी डिफिकल्टीज आई थी बीच में, पर बेसिक 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हम पकड़ के चले थे, ऐसे नहीं कभी छोड़ना पड़ा हो उसको। उसको नहीं चलाते चलाते फिर रिसेंटली आई गॉट इनिशिएटेड इन 2019। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो देखिए माता जी से हमें जानने को मिला कि हमारे इस्कॉन के जो प्रीचर्स है ना वो मौका नहीं छोड़ते, कहीं भी छोटा सा भी एक उनको चांस मिलेगा ना तो वो अपनी प्रीचिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो माता जी की लाइफ से हमको पता चलता है कि उनके पड़ोसी या उनके जान पहचान के जो सर्कल में थे उन्होंने ही प्रीचिंग करके और उनको भक्त बनाने में खूब हेल्प की है। तो ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है ना ये एक ऐसा सहकारिता का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। यहाँ दीदी एक तो दूसरे दीदी की हेल्प से हर कोई आगे बढ़ता जाता है। और जैसे कि चेन बिजनेस होता है ना, चेन बिजनेस उसमें अगर आप दूसरों को ऊपर उठाओगे तो आप ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाओगे। तो इस दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस इज जस्ट लाइक दैट। आप किसी और को हेल्प करोगे आप ऑटोमेटिकली एलिवेट हो जाओगे। तो हम भी एलिवेट होते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर की तरफ जो कि है हमारे और सभी के फेवरेट। मुझे बहुत सारे फीडबैक्स मिल रहे हैं, जनता की फेवरेट हमारी सुंदरी गोपी माता जी। तो माता जी थैंक यू सो मच हमारे साथ हमेशा की तरह आज फिर जुड़ने के लिए। तो माता जी से तो हम बहुत बार बहुत कुछ सुन चुके हैं लेकिन माता जी के पास अब भी बहुत कुछ है हमें सुनाने के लिए। लेकिन हम क्वेश्चंस के आंसर लेते जाएंगे और माता जी का ज्ञान आपको प्राप्त होता जाएगा। तो हम जल्दी से हमारा जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हम लेंगे हमारे सर्वनंदिनी माता जी से। तो माता जी फर्स्ट क्वेश्चन है कि शुड माता जीज और डॉटर्स परस्यू हायर एजुकेशन? क्या माता जीज को या उनकी बेटी को या किसी भी तरह से फीमेल को कृष्ण कॉन्शियसनेस में हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए या इस प्रकार से उच्चतर शिक्षाओं के लिए आगे जाना चाहिए या इस प्रकार की क्या चीज़ आप कुछ ऑब्जर्व किए हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में, प्लीज शेयर कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पहले मैं माफ़ी चाहती हूँ कि अगर मुझसे कुछ बुरा भला कुछ मैंने बोल दिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। हायर एजुकेशन के लिए मुझे इतना ही बोलना है कि माता जी को ज़रूर शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से हमारे माइंड ब्रॉड होते हैं, हमारा सोच धारा बड़ा होता है, हम आगे टेक्नोलॉजी जितना जानेंगे, क्योंकि अभी ऐसा हो गया है कि दर इज अ युग युग का एक गैप चला आ गया है। तो उसमें क्या हो रहा है कि बच्चे जो हैं वो अपने ग्रैंडफादर को बोल रहे हैं, अपने दादा को बोल रहे हैं कि आपको ये नहीं आता है, आपको वो नहीं आता, आपको मोबाइल चलाना नहीं आता है। तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का नॉलेज साउंड होना ज़रूरी है, नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। और
हायर एजुकेशन लेके ये नहीं कि यू गेट पफ्ड अप, मतलब थोड़ा गर्व से आप सबको दिखाओ कि नहीं हम मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं पीएचडी होल्डर हूँ तो मुझे ये आता है वो आता है, ऐसे नहीं। आपको हर चीज, हर एजुकेशन जो जो आपने शिक्षा ली है वो कृष्ण कॉन्शियस में आप अलाइन करके उसको आप व्यवहार करो। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ हायर एजुकेशन के, आपने प्रश्न किया है इससे कि मैंने पढ़ाई की है तो मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, उसमें मैं बायोलॉजी टीचर हूँ, आर्ट टीचर भी हूँ, बट बायोलॉजी में मुझे मेरे छात्र ने एक बार मुझे पूछा कि मैं, सिंस मैं बायोलॉजी टीचर हूँ तो छात्र ने मुझे पूछ लिया एक दिन कि माता जी हम लोग जब मतलब माता पिता जब माँ को जब बच्चा होता है तो उसको कैसे समझेंगे कि कौन सा वाला होगा, बेटी होगा या बेटा होगा और कितने बच्चे होंगे। तो वो आंसर मुझे तभी नहीं पता था क्योंकि वो तो हायर एजुकेशन में वो तो नहीं उतना डीप तो नहीं पढ़ाते, वो MBBS में पढ़ा देते हैं। तो मैंने मास्टर डिग्री की है उसमें तो जस्ट सुपरफिशियली सब टच करते हैं, तो उसमें मुझे तभी उत्तर नहीं मिला। फिर मुझे कुछ दिन बाद, मैं श्री प्रभुपाद के कोट्स पढ़ती रहती हूँ, तो एक प्रभु ने फेसबुक में शेयर किया था तो उसमें लिखा था कि मतलब प्रभु जी और माता जी के कैसे मतलब बेटी या बेटा होंगे, इसका पूरा उदाहरण उसमें दिया था। तो मैंने वो शेयर किया और मैंने वो मेरे स्टूडेंट को भी बताया। तो इस हिसाब से हायर एजुकेशन आप लीजिए पर उसको गलत इस्तेमाल मत कीजिए, उसको भटकाइए मत, उसको मतलब ईगो में मत लाइए कि मैं बहुत जानता हूँ, और ये भी मत इस्तेमाल कीजिए कि पैसा कमाने के लिए उसका श्रेय मत मतलब उसको अलाइन मत कीजिए, मतलब उसका जरिया मत बनाइए कि आप पैसा कमाएंगे पैसा कमाएंगे, ये बहुत रॉन्ग पाथ है। बट अगर आप पैसा कमा रहे, जो भी आपको सैलरी मिल रहा है उसको मोर देन 50% आप कृष्ण भगवान के यूज में लाइए तो वो बहुत अच्छा है। पर हायर एजुकेशन के लिए यस, थोड़ा सा टू सम एक्सटेंट होना चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे, फिर बच्चे उनके भी पोते पर पोते वो भी बोलेंगे कि आपको कुछ ही नहीं आता है। तो उस हिसाब से थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होना बहुत जरूरी है, तो हायर एजुकेशन थोड़ा चाहिए, जरूरी है। हरे कृष्णा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? काफी कुछ माता जी ने, जो सर्वनंदिनी माता जी ने बोला वो बराबर बोला, पर यू नो एक चीज है कि मटेरियल एजुकेशन, उस मटेरियल वर्ल्ड है तो दो चीजें होती है, हमेशा डुअलिटी रहती है, गुड एंड बैड। सो वैसा देखा जाएगा टॉप मोस्ट लेवल पे शास्त्र में सब कुछ दिया है जो आपको जरूरी है इस जीवन में जीने के लिए, मगर बिकॉज हम लोगों का उतना विश्वास, उतना ये नहीं है, सरेंडर नहीं है, तो हम एजुकेशन लेते हैं। मैंने खुद एजुकेशन लिया, मैं अपने बच्चों को, जो तीनों में से मेरी तीन लड़कियां हैं तो तीनों में से जो पढ़ना चाहती है हम उनको पढ़ाएंगे। मैं देखती हूँ जैसा एक माँ हूँ तो जैसे यू नो पहले के जमाने में सोना देते थे एज अ बैकअप, अगर कुछ यू नो आपके लाइफ में कुछ हो गया तो ये ना ये बेच के आप ये कर सकते हो। तो मेरे लिए एजुकेशन मैं बच्चों को दूंगी, ये ना इज एसेट दे रही हूँ, अगर आपके गृहस्थ जीवन में या यू नो किसी लाइफ में कभी ऊपर नीचे कुछ हो गया तो आप अपने पैर पे खड़ी हो सकती हो। इसका मतलब नहीं कि एजुकेशन दिया कि जॉब ही करना है, ऐसा कोई हमने उस उन पे बंधन नहीं डालने वाले, पर एज एन एसेट हम लोग उनको देना चाहते हैं। और तीनों में से जो बच्चा लेना चाहता है, कोई आर्ट करना चाहता है, कोई साइंस करना, कोई डॉक्टर बनना, आपको जो पढ़ना है पढ़ो, हम उनको बंधन में नहीं रखेंगे। बिकॉज मेरा उतना सरेंडर नहीं है भागवत पे, पर उतना था कि मैंने बचपन से उनको भागवत में ही पढ़ाया है, पता है थियोरेटिकली, पर इस जीवन में जीने के लिए पैसा लगता है यू नो थोड़ा एजुकेशन से थोड़ा आता है, और एजुकेशन से बाकी भी काफी चीजें आती है, क्योंकि आप भक्तों में भी देखेंगे तो शादी करते वक्त भी एक भक्त पूछेगा मुझे लड़की पढ़ी लिखी चाहिए, इसीलिए नहीं कि मेरा अहंकार है, पर इंटेलेक्चुअल मैचिंग होना चाहिए। मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी शादी नहीं हो रही थी क्योंकि मैंने पीएचडी करे, मुझे एक पीएचडी वाला ही चाहिए, मैं कोई बीए बीकॉम से नहीं, वो मैच नहीं होगा या तो फिर ईगो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। सो ये एक बहुत यू नो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है कि इंटेलेक्चुअल मैचिंग के लिए
आपको तो आप चाहते हो कि आपके बच्चे अच्छे घर में शादी करके जाए, तो इसीलिए हम लोग पढ़ाते। ये एक पुराना विचार है, इंडियन स्टाइल ऑफ थिंकिंग। पर ये भी है कि आजकल जिस तरह से कलयुग बढ़ रहा है, आज भले ही आपके बच्चे हायर एजुकेशन लेके तुरंत जॉब नहीं करे, पर उतना तो देखना है हमें कि अगर कुछ भी हो गया, ऐसा मैंने कह रही कि डिवोर्स ही होगा, कुछ बीमार पड़ गया कोई हस्बैंड, तो आपको उतना घर संभालने आना चाहिए, आपका दो वक्त का खाना आपको कमाने आना चाहिए, वही बैकअप वाली बात है। यस, सो इस तरह से मैं सोचती हूँ कि मेरे स्पिरिचुअल लेवल पे मैं हायर एजुकेशन को वैल्यू देती हूँ, पर जो उधर है तो वो पूरा सरेंडर है, तो पक्का उनका बैक टू गॉडहेड पक्का है। हम धीरे जाएंगे पर अपने लेवल से जाएंगे। एग्जैक्टली, तो बहुत ही अच्छे आंसर्स माता जी इससे मुझे मिले। यू ऑल्सो वांट टू ऐड समथिंग ऑन दिस? आई मीन इफ यू सजेस्ट मी टू, या प्लीज। सो बेसिकली लाइक माता जी सेड, प्लीज फॉरगिव मी इफ आई, नो 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 प्लीज कंटिन्यू, इफ आई एम क्रिएटिंग एनी कंट्रोवर्सी, बट इट्स जस्ट दैट what Prabhupada wanted or Prabhupada said us that the two important aspects jo education ke do important aspect hain matajiyon ke liye wo hai chastity aur cooking. yes, to ye chastity aur cooking ko compromise na karte hue ji hum jitna bhi higher education le sakte hain in the mood of preaching ki hamari jo education hai wo preaching mein lagane wale hain hum, right, तो हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। okay. पर हमारा प्रायोरिटी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा हम पढ़ाई में इतने व्यस्त थे कि हम कुकिंग ही सीख नहीं पाए हैं भगवान को खुश करने के लिए व्यंजन, जो राधा रानी इतनी अच्छी कुकिंग करती right, हैं right. तो जो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट हमारे गुरु परंपरा ने हमें सजेस्ट yes. किया है, वो एक्सपेक्ट को अगर हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं या फिर हम पढ़ने कहीं बाहर जा रहे हैं और हमें ट्रेन नहीं किया गया है कि हम अपनी चेष्टिटी का, अपनी सतीत्वता का कैसे रक्षा कर सकें, राइट, क्योंकि कलयुग में बाहर क्या है ये हम सबको पता है yes. तो उस परिस्थिति में अपनी सतीत्वता का रक्षा करते हुए कुकिंग की स्किल को रख के टीचिंग yes. के मूड में अगर हम हायर एजुकेशन लेते हैं एज अ बैकअप प्लान हो, वो तो सेकेंडरी है, बैकअप प्लान yes, को सेकेंडरी yes. रख के टीचिंग मूड को फर्स्ट रख कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से कर सकते हैं, हमने भी किया है। ओके, तो देखिए यहाँ पर तीनों स्पीकर्स ने इस चीज को जो है हामी दी है, सीधा सीधा नहीं, सबने अपने अपने जो है पर्सपेक्टिव्स रखे हैं, अपने अपने पहलुओं को रखा है, अपनी अपनी विचारधाराओं को रखा है, और किसी न किसी ढंग से सभी ने हायर एजुकेशन को सपोर्ट दिया है, चाहे वो खुलकर ना हो किसी भी तरह से हो। पर देखिए बात तो सच है, अगर लड़की पढ़ी लिखी होती है तो वो समझ सकती है उसको समाज में किस तरीके से अपनी चेस्टिटी को संभाल के रखना है, अपनी फैमिली को, माता जी ने जैसे फैमिली को संभालने की बात कही, और जैसे अपनी वैल्यूज को संभाल के रखना है, पफ्ड अप नहीं होना है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का यही आंसर है कि हायर एजुकेशन होना ही चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपरूपा माता जी की तरफ लेकर जाएंगे। तो क्वेश्चन है, एडवांटेजेस and disadvantages of higher studies. I think we have already discussed, but you can elaborate it. So being a teacher, I cannot tell. I mean, I'm not supposed to say disadvantages of education. Yeah. Higher education, that will demotivate my students a lot, whoever will watch. Right. But still, I will say because you have suggested, मैं बताऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी एडवांटेज पहले ये है कि जैसे माता जी ने बोला कि आपको दुनिया को समझने का प्रोस्पेक्टिव, थोड़ा दुनिया को समझने का जो ये नजरिया है वो बदल जाता है आपके एजुकेशन के साथ। और जैसे सुंदरी गोपी माता जी अभी बता रही थी कि हम मैटेरियल वर्ल्ड में हैं, हम अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं गए हैं। एग्जैक्टली, तो हम और जैसे हमें भक्ति शास्त्र में पढ़ाया जाता है कि हम जिस अधिकारी डिवोटी हैं, अगर हम कनिष्ठ अधिकारी डिवोटी हैं, हम मध्यम अधिकारी में कॉपी करना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, हमारा जो माइंडसेट है उसी हिसाब से चलना चाहिए। बहुत सुंदर। तो उस हिसाब से अगर हमारा उतना सरेंडरेंस नहीं है, जिनका है उनको विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, हमें इच्छा, हमें भी यही इच्छा है कि हम भी उस स्तर में पहुंच जाएं कि हमें भी मटेरियल एजुकेशन की जरूरत एकदम ना हो। बिल्कुल। पर जब तक हमें वो चीज हुआ नहीं है अभी हमारे अंदर, तो उस जगह पे खड़े होके हमें मटेरियल एजुकेशन लेना चाहिए फॉर बैकअप प्लान, लाइक माता जी बोले थे कि हम भौतिक जगत में रहते हैं, हमें पता नहीं कल क्या होगा। एग्जैक्टली, जरूरत कभी भी हो सकती है। जरूरत कभी भी हो सकती है, तो उस चीज के लिए हमें
वो एक एडवांटेज है कि वो हाँ लड़कियों का एक बैकअप प्लान होकर रहता है, पर ये सेकेंडरी है। फर्स्ट हमारा प्राइमरी है कि हम अपने एजुकेशन के साथ खूब प्रीचिंग कर सकते हैं। लोग आजकल बाहर के भौतिक जगत में पढ़ाई से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, लोग पैसों से ज़्यादा पढ़ाई में भी, कुछ लोग जो होते हैं जो ज्ञानी लेवल के लोग होते हैं, मेटेरियल ज्ञानी, वो पढ़ाई को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। मैंने बहुत पेरेंट्स को बोलते हुए सुना है, हमारे घर में भी यही प्रायोरिटी था पहले कि पैसे कम हो चलेगा पर लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, बेटी से ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो इसीलिए मेटेरियल एजुकेशन उस हिसाब से आप प्रीचिंग में बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, क्योंकि लोग, क्योंकि हम पहले भी आज के डेट में भी हम जब हमारे सीनियर ब्रह्मचारी सीनियर सन्यासी को इंट्रोड्यूस करते हैं, सो एंड सो फ्रॉम IIT बॉम्बे, सो एंड सो फ्रॉम IIT दिल्ली, सो एंड सो एज MBBS, यही बोल के इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बहुत भौतिक नॉलेज है और जड़ है प्रतिष्ठा सुगर रिष्ठा मायर वैभव जीके करेगा था, ये सब तो हमें पता होते हैं, पर फिर भी हम इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं हमारे खुद के इस्कॉन के स्टेज प्रोग्राम में, क्योंकि हमें पता है कि ये हम घमंड या पफ करने के लिए नहीं, ये हम प्रीचिंग पर्पज से करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, इम्पैक्ट डालने के लिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर ये इतना शिक्षित व्यक्तियों के कर रहे हैं मतलब बेवकूफ तो नहीं है, बिल्कुल कुछ तो है यहाँ पे, अमेजिंग बहुत सुंदर पॉइंट है, ये बेवकूफ तो नहीं है। तो ये हम प्रीचिंग हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमें पढ़ाई इसीलिए करना चाहिए क्योंकि हम प्रीच करना चाहते हैं। बिल्कुल। और जैसे मुझे ठीक से याद नहीं है कि भक्ति सिद्धांत सूत्र को प्रभुपाद ने बोला था, भक्ति विनोद ठाकुर पता नहीं वो, पर हमारे प्रभुपाद, अपार्ट फ्रॉम प्रभुपाद, उन्होंने बोला था कि ये जो फर्स्ट क्लास सीट्स हैं ये सब एजुकेटेड लोगों से भर जाना चाहिए, तो अगर जो जो रूलिंग क्लास है वो फर्स्ट क्लास होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने ऐसे बोला है कि वो शूद्र हो, नारी हो, जो भी शरीर में हो, अगर वो डिवोटी है तो वो इंटेलिजेंट उसको मान सकते हैं, अगर वो इफ पर्सन इज गुड डिवोटी, तो अगर माताजी अच्छी डिवोटी है तो इसका मतलब वो इंटेलिजेंट है, तो वो अगर चाहें विथ गाइडेंस ऑफ गुरु एंड कृष्णा सी कैन हैंडल अ बिग पोजिशन, लाइक मेनी प्लेसेज प्रभुपाद हैज सेड दैट वीमेन आर नॉट गिवन ए बिगर पोजिशन बट दोज आर नॉट ऑर्डिनरी वीमेन, दैट वीमेन हु आर डिवोटी एंड हु आर सरेंडर्ड, वो बिफोर टेकिंग सम डिसीजन अपने गुरुदेव से परमिशन लेंगे या फिर अपने सीनियर से कंसल्ट करेंगे, वैसी माता जी अगर हायर पोजिशन में बैठती है कोई डिसीजन लेती है तो उसमें कोई बुराई बात, मुझे तो कोई पर्सनल परस्पेक्टिव से कोई बुरा नहीं लगता है ये चीज। तो टीचिंग पर्पज हो गए, ये हो गए, तो आई थिंक दीज आर द एडवांटेजेस। एंड यू कम टू डिसएडवांटेज, थोड़ा कभी कभी हम ईगो आ जाता है बिकॉज वी आर कंडीशन्ड सोल, मुझ में तो है, मेरे को बहुत शादी के प्रपोजल आए थे जो नॉर्मल बीए पास बीएससी किए हुए थे, अरे मैंने मास्टर्स किए हैं पीएचडी वाला आना चाहिए, एटलीस्ट तो मास्टर्स आना चाहिए, ये मेरे से नीचे से तो नहीं चलेगा मेरे को, क्योंकि ईगो क्लैश हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता था क्योंकि मैं सरेंडर्ड नहीं हूँ, इवन आई एम नॉट, तो इसीलिए एक ईगो पफ वो हो जाता है क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, तो इसमें अगर हम ईगो पफ्ड हैं तो हम अपने आप को एक्सक्यूज नहीं करना चाहिए खुद को, क्योंकि मेरे मन ईगो है इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है, पर अगर हम किसी और का ईगो देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि वो भी कंडीशन है, अगर मुक्त जीव होता तो अभी तो गोलोक में होता, यहाँ पे क्यों होता। तो इसीलिए थोड़ा ईगो आ जाता है और थोड़ा कृष्णा के ऊपर सरेंडरनेस कम जाता है, ये थोड़ा होता है जो बद्ध जीव है उनके लिए होता है, कम से कम मेरे लिए तो होता है ये, कि कभी कभी मुझे लगता है कि पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ी लिखी हूँ मैं, इस कौन से सेवा छोड़ भी दूंगी, अभी जाऊंगी बाहर तो 70,000-80,000 कमा लूंगी, 50,000 कमा लूंगी, तो ये अगर सेवा छूट भी गई इस कौन से कोई बात नहीं, बाहर मैनेज हो जाएगा, ये नहीं लगता है कि कृष्णा विल प्रोटेक्ट, कृष्णा विल प्रोवाइड अनदर सर्विस, इससे पहले लगता है कि मेरी डिग्री के दम है बाहर भी कर ले, डिसएडवांटेज, दैट इज अ डिसएडवांटेज। वेरी नाइस। तो माता जी ने देखिए बहुत ही क्लेवरली जो है डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस बताए हैं, माता जी वांट टू ऐड समथिंग? या प्लीज मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि एडवांटेज हायर एजुकेशन का अगर आप सही इस्तेमाल नहीं करते तो वो डिसएडवांटेज हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला है लेक्चर्स में कि अगर आप स्त्री को माता के हिसाब से नहीं देखते हैं तो वो एक ह्यूज एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। अगर आप पढ़ाई भी किए हो, आप पीएचडी भी कर लिया आपने और आपने मतलब स्पिरिचुअल एजुकेशन में भी आप हाई हो, फिर भी वो कोई काम का नहीं है, इट्स अ ह्यूज डिसएडवांटेज। और एक जो एग्जांपल श्रील प्रभुपाद ने दिया है कि मतलब किसी का जो मतलब हमारा जो एरिया है, जो प्रॉपर्टी है, उसके अलावा हम किसी और के प्रॉपर्टी में अगर आँख उठा के भी देखते हैं, दैट शुड बी काउंटेड एज पेबल्स। तो
वो भी एक डिसएडवांटेज है कि मैं पढ़ाई लिखी मैं लिखी हुई हूँ, अगर अगर मैं खुद से अगर कमा नहीं पा रही हूँ, खुद स्ट्रेट रास्ते में नहीं चल पा रही हूँ, और अगर मैं किसी का ये लूटना चाहती हूँ, वो लूटना चाहती हूँ, प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हूँ कि कैसे उसको नीचे डाउन कर सकूँ, जैसे क्रैब रेस बोलते हैं, जो क्रैब रहता है वो एक एक ऊपर चढ़ना जाए तो दूसरा टांग खींचता है, वैसा वैसा अगर मैंने कर लिया तो इट्स अ ह्यूज एडवांटेज, फिर वो पढ़ाई का कोई दाम नहीं है। तो यही ऐड करना था मुझे। हरे कृष्णा। शॉर्ट में बोलूंगी कि डिसएडवांटेज हायर एजुकेशन के बहुत सारे होते हैं, क्योंकि मैं उसमें से गई हूँ। एक तो होता है कि आप अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हो, स्मार्ट समझते हो कि मेरे को तो सब कुछ आता है। दूसरी जो हर एरिया में आप मेन के बराबर जाते हो, आपको अंडरस्टैंडिंग होता ही है ना। तो ट्रैवल होता है जब, क्योंकि यू नो कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, पब्लिक फियर नहीं रहता है, वो एक एडवांटेज है एज वेल एज इट इज अ डिसएडवांटेज। क्योंकि ना जब देखो तब नारी मोर्चा लगाने के लिए तैयार हो जाते, मेरे को बोलो तो मैं तो कहीं भी मोर्चे के लिए मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि इतने सारे पब्लिक में टॉक्स दिए हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर्स पब्लिश किए, प्रेजेंट किए हैं। तो क्या होता है हर चीज में बराबरी, वो फेमिनिस्ट ना जरा ज्यादा ही सिर्फ है, वो हायर हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है काफी उसकी वजह से। तो वो जो प्रभुपाद कहते हैं यू नो द ऑर्नमेंट ऑफ अ लेडी इज शाइनेस, तो वो क्या, अभी मैं देखो मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री किया है, मेरे क्लास में लड़के 70, हम 7 लड़कियां। तो पहले तो हम शाय थे, फिर तो अबे ऐसा ऐसा करके मार, क्योंकि सब दोस्त हो गए 4 साल में, तो यू नो कोई भाई के जैसा है, कोई दोस्त के जैसा। सो यू नो इट्स लाइक आपका जो शाइनेस फैक्टर था थोड़ी, तो मैं इतनी शाय कभी नहीं थी क्योंकि मैं बचपन से लड़कों में थी, टॉमबॉय थी, पर वो जो भी थोड़ा बहुत शाइनेस था वो भी गुल हो गया। तो फिर मास्टर्स में आने के बाद तो मैं एक ही, पीएचडी में तो फिर वैसे भी हमारे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में लड़कियां ही नहीं होती है ज्यादा। तो वो क्या होता है कि तो शाइनेस का तो फैक्टर सच में वो मेरा ये हो गया, और ऑफकोर्स वहां मेरा अहंकार भी बहुत बड़ा हो गया कि मैं अभी देखो मैं इतनी डिग्री पा ली है, मैं इतने पैसे कमा सकती हूँ। तो ना जो कहते हैं ना थोड़ा मुंह बंद करो, थोड़ा शांति से लो, वो नहीं होता है, तुरंत आंसर मुझे पता रहता है, या ना मैं कैसा कहते उल्टा जवाब देने के लिए। यहाँ पर आप जो कहना चाह रहे हैं मुझे उसी ये समझ में आ रहा है कि हायर एजुकेशन का एक डिसएडवांटेज है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म एक पार्ट है उसका, बट काफी कुछ यू नो देर आर अदर एसोसिएटेड, पर वो भी आप देख, जैसे मैंने कहा मटेरियल और डुअलिटी है, शाइनेस नहीं है तो ऐसा मतलब एटलीस्ट फिर मुझे कोई उल्लू नहीं बना सकता है। मैं इस जग में कहीं भी जा सकती हूँ, आप मुझे छोड़ो कोई भी कोने में। आज ऐसा है कि मैं ऑफकोर्स मेरे हस्बैंड के साथ हमेशा रहती हूँ, पर मुझे रहना पड़ा तो दुनिया के कोई भी कोने में मैं जाकर रह सकती हूँ। मैं कोई उल्लू बनाएगा तो उतना तो मुझे समझेगा मुझे उल्लू बना रह करके। तो यू नो आई विल नॉट से इट इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इट इज द वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी, और आई कैन से फेक फेमिनिज्म, राइट? डिसएडवांटेज है हायर एजुकेशन का फेक फेमिनिज्म, जो कि आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं फेमिनिज्म में ज्यादा कमेंट नहीं मारूंगी कि राइट, या सो एनीवेज सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप ही के लिए है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है, हम उसको ले लेते हैं। छोटू सा क्वेश्चन है, हरे कृष्णा माता जी, एज अ टीचर मैं बच्चों को कैसे स्पिरिचुअल एजुकेशन भी साथ साथ दूं बुक्स और नॉलेज के साथ, प्लीज? सी स्पिरिचुअल एजुकेशन जो मैंने देखा है जो बहुत ही इफेक्टिव है वो है कि आपको करना है एज अ मदर, मैंने करना है। आजकल मैंने देखा मेरे बच्चे को श्लोक आना चाहिए, इसके क्लास में भेज दो, उसके क्लास में भेज दो, इधर कर दो, आपको करना है। जब आप करते हो, देखो हम ऐसा सुई दो धागा लेके बैठते, मम्मी क्या करो, मुझे भी करना है। जब आप करते हो तो बच्चे को करने की इच्छा होती है। देखो आपको ही नहीं आता है तो वो ना एक दिन बच्चा आपको फटाक से बोलेगा मम्मी आपको तो नहीं आता, आप मेरे को क्लास में क्यों भेज रहे हो। सो मैंने तो एटलीस्ट मैं क्योंकि मैं बहुत डेस्परेट थी कुछ चीजें सीखने के लिए अपने लाइफ में, तो मैंने शुरू किया और पता नहीं कब उन्होंने पिकअप कर लिया। सो सबसे इंपॉर्टेंट है आप करना शुरू करो, आप देखो उसका मैजिक, वो आपसे भी आगे बढ़ जाएंगे, बट आप शुरू करना है।
ऐसा नहीं सोचना है कि उसको स्विमिंग आना चाहिए, उसको श्लोक आना चाहिए, उसको ये आना चाहिए, उसको होना चाहिए. आपको क्या आता है भाई? सो जब आपको आएगा तो क्योंकि घर का एक कल्चर ही होता है. देखो हम जैसा रोटी और सब्जी खाते हैं, बंगाल में चावल खाते हैं, आप घर में जो खाएंगे वही बच्चे खाएंगे. तो आप जो घर में करेंगे पक्का पक्का बच्चा करेगा. वो ना झाड़ का फल होता है ना, सेब के झाड़ को सेब ही आएगा, संतरा नहीं आने वाला है. सो वो इट विल बी योर चाइल्ड इज गोइंग टू बी क्लोज टू व्हाट यू आर. सो प्लीज आप इतना कृष्ण कॉन्शियस और दिल से कीजिए, ऐसा रो रो के चैंटिंग. स्पेशली माँ से ज्यादा कनेक्ट होते हैं बच्चे, राइट? मदर इन्फ्लुएंसेस अ लॉट. वो एक ड्राइव इंजन होता है घर का वो. सो आप करिए और बड़ा प्यार से करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करिए. ऐसा नहीं कि जो नवदा भक्ति है, देखो 9 प्रोसेसेस है. ऐसा नहीं सिर्फ चैंटिंग ही करना चाहिए बच्चे ने, तो आपको जो अच्छा लगता है. कोई कोई कीर्तन करते हैं, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि मम्मी हारमोनियम बजाती है तो बच्चा क्या करेगा. मैं तो देखती रहती, मुझे तो नहीं आता है, तो टै 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 बजाते रहते हैं, गाते भी रहते हैं. सो इट इज जस्ट आप करो, बच्चा अपने आप से करेगा. आपको यू हैव टू पुट नो एफर्ट, मगर वो चीजें करो जो आपके दिल को छूती है, तो वो उसके दिल को पक्का छुएगी. इट इज इन्फेक्शियस. तो मैं यही कहूंगी, सो शुरू कर दीजिए आप. तो माता जी ने जैसे कि कहा कि जो क्वेश्चन अभी आया था अभी हमारी लाइव चैट में, जो कि नंबर डिस्प्ले होता है, सॉरी मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि आप लोगों की स्क्रीन पर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है 6297737729. इस पर आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड, या जो भी क्वेश्चन आप लोगों के मन में हो. और हम लोग इसी टॉपिक को नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू करना चाहेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं हमारे पास और टाइम बहुत लिमिटेड है. तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर की तरफ. तो माता जी, सर्वनंदिनी माता जी, एक और क्वेश्चन आया है. माया के ओशन से और अपनों को, आई डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एक्चुअली, अपने को स्पैरो से क्यों कंपेयर किया गया है? ओके, माया को ओशन से और हमको स्पैरो से, मतलब चिड़िया, आई थिंक वो ही बोल रहे, राइट? बर्ड बोल रहे हैं. तो क्यों कंपेयर किया गया है? माया को पार करने का तरीका क्या है? दैट इज, आई डोंट, ये रिलेटेड नहीं है क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन, बट ठीक है, अभी आया है तो हम ले लेते हैं. ये कंपैरिजन क्यों है इस तरीके का? वो स्टोरी से रिलेटेड है ना, स्पैरो. राइट राइट राइट. तो ये स्टोरी जिसमें स्पैरो, आई मीन चिड़िया, उसके अंडे रहते हैं जो ओशन, मतलब बहा लेके जाता है. ओके, समुद्र, एक्सट्रीमली सॉरी, समुद्र उसको बहा ले जाता है. तो वो, मतलब ये स्टोरी मैंने सुना है पर मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब मैं प्रॉपर उसको बोल नहीं पा रही हूँ. तो उसमें शी गोज टू लॉट्स अदर डेमी गॉड्स फॉर हेल्प, एंड देन लास्ट शी गोज टू गरुड़ देव, वेर ही, आई मीन ही हेल्प्स द स्पैरो. तो इसमें बोला गया है कि माया, मतलब आप जब भक्ति नहीं कर रहे तो माया आपके ऊपर हावी हो जाती है. मतलब आप कृष्ण भगवान को जब कुछ भी अर्पण नहीं कर रहे या उनको स्मरण नहीं कर रहे हैं, तो माया मतलब हावी हो जाती है, क्योंकि माया को बोल रहे हैं शी इज द शैडो ऑफ लॉर्ड कृष्णा. तो उसमें, मतलब यही है कि, मतलब क्वेश्चन क्या था माता जी? माया को ओशन से और हमको, मतलब सारे जीवास को, स्पैरो से क्यों कंपेयर किया गया, और इस ओशन ऑफ नीड्स, इसको पार करने का तरीका क्या है? अच्छा, यस, आई वुड लाइक टू पास दिस क्वेश्चन, आई विल कम बैक लेटर इफ समबडी वांट्स टू ऐड. या व्हाट, लाइक आई एम जस्ट टेलिंग फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग कि माया को इसीलिए ओशन के साथ कंपेयर किया होगा क्योंकि माया कोई साधारण चीज नहीं है. Exactly. हमारा, हम यूजुअली इस्कॉन में आते हैं तो ये माया वो माया, ये वी हैव टू अंडरस्टैंड कि माया कुछ और नहीं है, कृष्णा की एक एनर्जी है. Yes. तो वो कमजोर नहीं है. Exactly. और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी कृष्णा की है, कोई और, कोई दुश्मन. हम जैसे हमारे अलग रिलीजियंस में बोला जाता है कि वो कोई डेमन, डेविल, कि कोई एंटी पार्टी है, ऐसा हम ऐसा नहीं मानते हैं. yes, कि yes, कोई yes. एंटी पार्टी इधर नहीं है. एवरीबडी इज कृष्णा क्रिएशन. डीमंस भी कृष्णा के, राक्षस भी भगवान की क्रिएशन है. वो भी एक योनि है. और वैसे माया तो भगवान की ही एनर्जी है. तो वो तो ओशन, क्या उसको ओशन से भी बड़ा
पदवी भी दे दिया जाए उससे भी बड़ा, छोटी बात, समुद्र से भी बड़ा बताया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो इसीलिए शायद ओशन, मतलब ओशन को समुद्र बोला गया होगा। पर जो एंथुसियाज्म है चिड़िया का वो भी तो बहुत है कि ओशन सुखा देगी अपने चोंच से लेके। और जो, हाँ दूसरी बात क्या पूछ रहे थे वो, तो उसको पार करने का तरीका क्या है? उसको पार करने का तरीका जैसे हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, हरि नाम हरि नाम हरि नाम है केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा। सो वी हैव टू सी दैट इट इज बीन रिपीटेड थ्री टाइम्स, तीन बार, त्रिबार सत्य बोलते हैं ना हम, कि तीन बार बोला गया जो कितनी इम्पोर्टेंट एब्सोल्यूट ट्रूथ है। तो हरि नाम हरि नाम हरि नाम ही केवलम, वैसे कलो को नस्ते व नस्ते व नस्ते व तीन बार बोला है कि एक ही चीज, एक ही उपाय, एक ही उपाय। एटलीस्ट नाउ एट प्रेजेंट कलयुग देयर इज जस्ट वन एंड ओनली वे ये भवसागर पार करने का, यही है कि हम टू गेट ओवर दिस ये मैटेरियल ओशन, भौतिक संसार का जो माया का जगत है या फिर समुद्र है, सागर है, भौतिक सागर है, इसको पार करने का एक ही उपाय है, वो है हरिनाम। इसके सिवा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। सो आई थिंक माताजी वांट्स टू ऐड समथिंग, प्लीज माताजी। हरे कृष्णा। तो मैं ऐड करना चाहूंगी कि ये ओशन को पार, समुद्र को पार करने के लिए हमें नवविधा भक्ति दी है, तो वो करना चाहिए। और फिर हमारे फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है वो फॉलो करने चाहिए, और हरि नाम जो सबसे ऊपर है, जिसको करके हम, मतलब गुरु महाराज ने कहा है, हमारे जयपताक स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि सोलह माला करो, सोलह माला करके ही फिर आप आगे अपना जो डेली टास्क है वो, मतलब हाथ लगाओ उसको, मतलब सुबह को उठ के, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा के धो के अच्छे से फ्रेश होके फिर सोलह माला करो, आपको कोई माया नहीं छू पाएगी। प्लस उसके बाद आप हर, मतलब आपके फैमिली के साथ बैठ के, मतलब बुजुर्ग हो, बच्चे हो, उनके साथ बैठ के आप भगवत का अध्ययन करो, गीता का अध्ययन करो, चैतन्य चरितमृत है उसका पूरा पढ़ के उसको क्वेश्चंस पूछो, बच्चों को पूछो, उनको भी, अगर बच्चों को इन्वॉल्व करोगे उनको भी इंटरेस्ट आ जाएगा कि नहीं ये मुझे आता है, एंड आंसर नहीं भी आता हो। हाँ जी हाँ जी। हाँ। तो इससे क्या होगा, हमारा कृष्ण भगवान के प्रति और आग्रह आ जाएगा, फिर हम कृष्ण भगवान ने, श्रील प्रभुपाद ने खुद बोला है कि हमारा इंटेलिजेंस और बढ़ जाएगा, हम मतलब डिवोटी के तरफ और मतलब कनिष्ठ अधिकारी के तरफ, मतलब अपना एक और कदम बढ़ा सकते हैं, मतलब आई मीन सॉरी उत्तम अधिकारी की तरफ बढ़ सकते हैं, अपना पैर स्टेप्स अग्रसर कर सकते हैं। फिर बाद में आप प्रीचिंग करो, प्रीचिंग करके भी आप, मतलब जैसे स्पैरो अपना सब कुछ, अंडा सब ये संभाल लेती है एट लास्ट, वैसे सेव कर लेती है, वैसा ही आप प्रीचिंग करते करते आपको भगवान, कृष्ण भगवान और इंटेलिजेंस देंगे, आप और अग्रसर हो पाओगे। एंड श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि आप जितना प्रीचिंग करोगे आप मेरे उतने निकट आओगे, उतने मेरे डियर होगे। तो ये सबसे बड़ी बात है, उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए कि हमें प्रीचिंग जोरदार करनी चाहिए। ये हरे कृष्णा मेरा उत्तर है। ओके, सो ये जो क्वेश्चन आए थे अभी तो हमने लिए, इट्स नॉट टुडेज टॉपिक बट फिर भी हमने लिया, क्योंकि हम नहीं आप लोगों को निराश करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की ही वजह से हमारा ये शो इतना उन्नति को प्राप्त कर रहा है। तो बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक लास्ट वाज योर्स, राइट? यस, सो इट विल बी योर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी माताजीज वर्क? सिमिलर क्वेश्चन आई थिंक, बट या आंसर आई थिंक सबका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर क्वेश्चन का अपना अपना एक क्या बोलना चाहिए, अलग नजरिया होता है और हम उसको अलग तरीके से ले सकते हैं। सो प्लीज, क्या कृष्ण कॉन्शियसनेस में, मैं दर्शकों की सुविधा के लिए बोल देती हूँ, क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्या कृष्ण कॉन्शियसनेस में, क्या कृष्ण भावनामृत में जो स्त्रियां होती हैं, माताजीज होती हैं, क्या उनको जीविका के लिए, जीविकोपार्जन के लिए बाहर कार्य करना चाहिए? सो मैं यही बोलना चाहूंगी कि लाइक जो फर्स्ट प्रिफरेंसेस है भक्तों की, डिवोटी माता जी की, वो फर्स्ट प्रिफरेंस बाहर जॉब या फिर जिसको हम वर्क करते हैं वो नहीं होना ही अच्छी बात है, फर्स्ट प्रिफरेंस। क्योंकि हम एक्चुअली भूल जाते हैं ये चीज की
भूल जाते हैं, एक्चुअली हम भूल जाते हैं कंप्लीट। मैं दोष माताजियों के ऊपर नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी माताजी हूँ, मुझे बताया ये चीज़। तो ये है कि हमारे जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो जॉब का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो माता की जो रोल है, जो माँ की जो रोल है, कि हाउसवाइफ का जो रोल है, वो एक फुल टाइम जॉब है। हमें ये अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है एक्चुअली, वो प्री ब्रह्मचारी ट्रेनिंग, प्री गृहस्थ ट्रेनिंग में नहीं मिलता है। मुझे भी शायद उतना खास नहीं मिला क्योंकि मेरी मम्मी भी वर्किंग थी, मैं भी वर्किंग सपोर्ट करती हूँ कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि नहीं करती हूँ। पर जब मैं क्या सोचती हूँ उससे पहले क्या होना चाहिए बताना चाहूँगी, और फिर बताऊंगी कि मेरे हिसाब से क्या सोचती हूँ, अभी क्या कर पाऊंगी। जो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये है, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि माताजियों का फर्स्ट प्रेफरेंसेस बाहर जॉब करना नहीं है, जबकि आपके घर में एक बड़ा वैकेंसी है कि आप अपने घर में वैकेंसी पैदा करके बाहर जाके जॉब करें। मैन शुड बी रेस्पॉन्सिबल, ही शुड ड्राइव द फैमिली इन फर्स्ट, दिस शुड गो इन दैट वे, दैट इज आवर व्हाट आवर बेबी कल्चर इज, कि मैन घर को ड्राइव करे और माता जी एक फुल टाइम जॉब करे। तो घर में वैकेंसी है उसको, वो वैकेंसी घर में नहीं होनी चाहिए कि माता की कमी। मैंने फेस किया है खुद, माई मदर वॉज अ ब्रिलियंट डिवोटी, वेरी ब्रिलियंट मदर, सेम टाइम कहीं ना कहीं सुपर वुमेन नहीं बन सकते हम भौतिक जगत में, तो कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर हम बाहर जॉब करने जाएंगे, माता का रोल, वाइफ का रोल कॉम्प्रोमाइज हो जाती है ऑटोमेटिकली, तो इसीलिए हमारा फर्स्ट प्रेफरेंसेस नहीं होना चाहिए। बाकी तो सिचुएशन के अनुसार, हमें कभी हमारे काउंसिलर से या फिर कोई सीनियर डिवोटी से पूछ के अगर हमारी जो प्रेजेंट जरूरतें हैं उसके हिसाब से अगर करना पड़ा कभी, तो हम जा सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। पर फर्स्ट प्रेफरेंसेस घर में वैकेंसी पैदा करके बाहर जाने का नहीं होना चाहिए फर्स्ट प्रेफरेंस। देन विथ टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, ये जो इसका जो एक्शन है वो चेंज हो सकता है। क्योंकि और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मिस कर जा रही हूँ मैं बोलना, ये है कि क्यों हम लोग शादी से पहले, आपको पता नहीं, मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मैं कभी अभी भी नहीं सोच पाती हूँ कि मुझे नौकरी नहीं करने देंगे, अभी तो मैं इस्कॉन में सेवा कर रही हूँ, नौकरी नहीं करने देंगे क्यों, मुझे तो नौकरी करना है। क्योंकि हम कभी कभी घर में देखे हुए होते हैं कि माताएं को एप्रिशिएशन नहीं मिलता है अपनी जो सेवा देती हैं, वो प्यार, वो एप्रिशिएशन, वो एक्सेप्टेंस। बहुत बार हम देखते हैं कि हमारी नानी को, अपनी माँ को, जिसका घर, जिसकी मम्मी वो हाउस वाइफ हो या चाची, मामी, कोई भी, उनको वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है जो मैन के तरफ से मिलना चाहिए, फिर एंटायर फैमिली के तरफ से मिलना चाहिए, क्योंकि उनको हमेशा लेकिन ऑपोजिट ऑफ एप्रिशिएशन मिलता है जॉब करने के बाद। नहीं, जो जॉब नहीं करते हैं, जो हाउसवाइफ हैं, उनको उतना एप्रिशिएशन नहीं मिलता है अपने फैमिली या अपने हस्बैंड के तरफ से। तो जो बच्ची है घर में, वो वही देख के ट्रेन होती है कि अच्छा है तो हाउसवाइफ बने तो कोई एप्रिशिएशन नहीं है, हाउसवाइफ बने तो ऐसे ट्रीट किया जाता है। तो फिर वो मेंटेलिटी डेवलप हो जाता है बच्चों में कि अभी मुझे तो हाउसवाइफ नहीं बनना है भैया, मुझे तो ना मतलब जॉब करना है, मैं अपने पैरों में खड़ी होंगी। अगर हम दिखाएं बच्चों को एक रेस्पॉन्सिबल मैन ऑफ द हाउस, और सास ससुर जो भी हैं बाकी मेंबर, अगर एक हाउसवाइफ को दिखाएं कि वो अपनी पैर में ही खड़ी है भैया, वो ऐसे नहीं कि किसी और के पैर में खड़ी है। और हमारी प्रिंसिपल माता जी चिदम्बरम माता जी बताती हैं एक बार कि लेट द मैन बी द हेड ऑफ द हाउस एंड यू बी द नेक। हेड, वो मैन का ईगो सेटिस्फाई होता है कि वो हेड होते हैं, उनका वो एक अलग स्पीशीज है, वो हम जैसे नहीं है, वो एक अलग स्पीशीज है। वीमेन एंड मैन आर टू डिफरेंट स्पीशीज। सो मैन का होता है कि मैं हेड हूँ, ये उनको अच्छा लगता है। पर जो नेक होती है ना, वो अगर आपकी मम्मी हाउसवाइफ होंगी या नानी होंगी तो देखना, नाना जी जितने भी उछल लें, दादाजी जितने भी उछल लें, वो सोचते हैं कि आई एम हेड, बट वीमेन बिकम्स द नेक। सो इफ द नेक इज बीन अप्रिशिएटेड, अगर वो लड़कियां देखें अपने पापा से, अपने बाकी के घर वालों से, तो वो फिर वो एनकरेज फील करती है कि दिस इज ऑल्सो फुल टाइम जॉब, आई कैन डू दिस। बट जब हमें अप्रिसिएशन नहीं मिलता, हम देखते हैं अपने हमारे माता, नानी, दादी जो भी हैं, चाची, तब हमें लगता है कि ये अच्छा रोल नहीं है, हमें कुछ और बाहर करना है जहाँ से हमें अप्रिसिएशन मिले, क्योंकि हम अप्रिसिएशन के भूखे हैं। ओके, बट ऑन द कॉन्ट्ररी, मैंने मेरी फैमिली में जो देखा है, मैं उसको यहाँ पर बताना चाहूंगी। मेरी जो मेरी माँ की माँ, नानी माँ, शी वॉज अ वर्किंग लेडी, वो भी एक सरकारी नर्स थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो इस वजह से उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा था। आपने कहा कि जॉब नहीं कर रही है, शी इज अ हाउसवाइफ, तो उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है, उनको एक्सेप्टेंस मिलता है, एप्रिशिएशन नहीं, नहीं कर जो काम वो कर रही है उसको एप्रिशिएट नहीं किया जाता है, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है, एक्नॉलेजमेंट नहीं ओके तो बट हमारी फैमिली में तो चीज पूरी पिक्चर उल्टी है ना। मतलब
मेरी नानी माँ काम करती थी, क्योंकि मेरे नाना जी एक अलग ही तरीके के व्यक्तित्व थे। उनका पता नहीं क्या सनकी सा दिमाग था, मुझे तो लेखक बनना है, मुंबई जाऊंगा, इस तरीके की चीज़ें करते थे। और जब मेरी माँ कुछ 1.5-2 साल की रही होगी, ही लेफ्ट इज बॉडी, एंड उसके बाद सब कुछ मेरी नानी माँ को देखना था। एक बेटा है 10-12 साल का और बेटी है छोटी सी, तो दो बच्चों को संभालना, आई मीन इट वॉज सच अ टास्क, आई मीन बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। और नानी माँ इतनी खूबसूरत, तो समाज में उस चीज के साथ चलना, यू नो, और उस टाइम पे नर्स वाज नॉट वेरी अप्रिशिएटेड जॉब। एग्जैक्टली, मेरी मम्मी के टाइम पे भी नर्स अप्रिशिएटेड जॉब नहीं था, जबकि रिसेंट 30 साल की पहले की बात है। हाँ, तो नॉट एन अप्रिशिएटेड जॉब। तो चीज ये है कि क्योंकि वो जॉब करती थी, तो जितने भी इन लॉज थे उन लोगों की नजरों में मेरी नानी माँ पूरी तरह से एक उल्टा बुरी बुरी माँ है, एक बुरी पत्नी है, एक बुरी औरत है ओवरऑल। ठीक है, तो जैसे कि आपने बताया, उससे पिक्चर पूरी उल्टी है यहाँ पर मेरे सिचुएशन में। लेकिन यहाँ पर मैं सुंदरी माता जी से भी जानना चाहूंगी, जैसे कि माता जी ने कहा कि क्या मतलब जो है जॉब करना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर सर्कमस्टेंसेस बोल रहे हैं कि नहीं आपको जॉब करना ही है, तब भी क्या माता जी को घर में ही बैठे रहना चाहिए? अगर सर्कमस्टेंसेस है तो जॉब करना चाहिए, पर यू नो, एक शास्त्रस कुछ चीजें कहते हैं, शास्त्रस में कोई भी देवहूति, कोई कुंती माता, द्रौपदी कहीं जॉब करने नहीं गई। सो शास्त्रस एक यू नो, हर एक चीज में ना हायरार्की होती है। सो टॉप लेवल पे है वहां जॉब नहीं करते हैं, पर क्योंकि हम अलग कल्चर से आते हैं आजकल, सो आपको इतना ही एक प्रिंसिपल याद रखना है कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। अगर आपको जॉब करके, डांस करके, सो के कृष्णा याद आने वाला है तो प्लीज करो, अगर नहीं आने वाला है तो प्लीज उसको रेक्टिफाई करो। तो बाकी दुनिया बहुत कुछ बोलेगी आपको, यू नो, यू हैव टू फेस इट, कम्युनिकेट करो, पर क्योंकि ये इंडिविजुअल है, आपको जॉब करना है कि नहीं है। जब आप अकेले होते हो, मगर आप जब फैमिली में होते हो, दो जब आपके हस्बैंड होते हैं या तो फैमिली होते हैं, तो सबको बैठ के आपको एक विन विन सिचुएशन का चॉइस करना पड़ेगा। पर आपका कृष्ण कॉन्शियसनेस ध्यान में रख के, क्योंकि जहां जिस अपब्रिंगिंग से हम लोग आते हैं, जैसे माता जी आई है, तो वो मैंने भी देखा है, मेरी फ्रेंड का हस्बैंड है, तो वो तो क्लियरली बोलता है जो लेडीज हाउस वाइफ है उसको मैं रिस्पेक्ट ही नहीं कर सकता हूँ। सो वो उनका अंडरस्टैंडिंग है, नथिंग राइट और रॉन्ग, मैं उनको भी गलत नहीं बोलूंगी, शायद उन्होंने कुछ देखा है वैसे। सो हमको दुनिया को ना सोचते हुए हमको सिर्फ एक ही गोल है, क्या कृष्णा खुश होने वाला है, क्या किसी चीज से मैं कृष्णा को भूल जाऊंगी, तो वो चीज हमें नहीं करने की कोशिश करनी है। और फिर बाकी इट्स अ प्रैक्टिस, और शायद वो एक लाइफ लॉन्ग आपका स्ट्रगल हो सकता है। पर एक चीज मैंने अपने लाइफ में देखी है, मुझे बहुत जॉब करने का शौक था, मेरे नसीब में जॉब ही नहीं था, कृष्णा ने मुझे एक भी जॉब नहीं दिया। जब भी मुझे जॉब चाहिए था, मुझे NIT मुंबई में पढ़ाना था, वो मुझे, मैं काफी सालों से वेट कर रही थी PhD के बाद कोई कोई तो मुझे फोन करेगा, मुझे बुलाएगा, यू नो, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा भी था एक बार कि हम आपको फोन करेंगे। जिस दिन मेरे हस्बैंड मुझे देखने आए, उस दिन फोन आया, तो मेरे नसीब में था ही नहीं, क्योंकि मेरे नसीब में सिर्फ लेक्चर सुनना था, बहुत सारा यू नो सेवा करना था, और मैं खुश हूं, ऐसा नहीं, यू नो, बट उस वक्त मैं नहीं समझ पाई। तो यू नो, भले आप बोलो मुझे जॉब करना है, अगर आपके लिए आपके नसीब में नहीं है तो वो नहीं आएगा, और करना है तो करना ही है, फिर सिचुएशंस आएंगे ऐसे, आपका मन भी वैसा यू नो इन्फ्लुएंस होगा। सो कृष्णा एक वो सुप्रीम फैक्टर है, वो जब तक सैंक्शन नहीं करता है तब तक कोई चीज हो ही नहीं सकती है। सो ये भी आपको याद रखें। सो सारे पॉइंट्स में ये सिर्फ थोड़ा एड ऑन है, बिकॉज मुझे माता जी का भी पर्सपेक्टिव समझ में आता है, दुनिया कैसे देखती है, हमें भी देखती है घर में बैठे हो। मेरी माँ भी बोली इतना पढ़ के घर पे बैठी हो, मुझे बच्चे पैदा कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो। तो पर मुझे डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि मेरा लक्ष्य गुरु महाराज ने दे दिया है, प्रभुपाद ने अपने को दे दिया है, और एक ही प्रिंसिपल पे आपको एक्ट करना है, स्मर्तव्यम सततम विष्णु। तो आई थिंक माता जी कुछ ऐड करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपना भी पर्सनल यहाँ पे कुछ बोलना चाहूंगी। जैसे कि आज सुबह ही मैं टेम्पल में चैंटिंग कर रही थी, तो एक सैफरन प्रभु जी आकर, ब्रह्मचारी प्रभु जी, मुझसे बोलते हैं कि आप सारा दिन बस जप करते रहते हैं और कुछ नहीं करते, अभी आपकी उतनी एज नहीं कि आप सारा दिन बस जप करते रहे।
आपको कुछ सीखना चाहिए, कुछ सीखिए, कुछ क्रिएटिव कीजिए. मुझे वो लग रहा था कि ये तो मेरे लिए नहीं है, बिकॉज मैं क्रिएटिव नहीं हूँ. सबसे पहली बात, मैं बिल्कुल, मुझे पसंद नहीं है कि मैं कढ़ाई बुनाई ये सब करूँ, कुकिंग सीखना एंड ऑल दिस, बिल्कुल इस समय मेरा कहीं से कहीं तक कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो उस समय मैं सोच रही थी कि फिर मुझे क्या करना चाहिए. तो अभी मुझे उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा बैठ करके कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या असल में पसंद है, राइट. तो जैसे कि आपने एक चीज़ कही थी कि सॉरी, आपने कहा था हाँ, कृष्णा की इच्छा नहीं थी तो आपको जॉब करने का चांस नहीं मिला, क्योंकि कृष्ण हमारा भला ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, राइट. हम सोचते हैं कि हमें जॉब करना है, हमारी इच्छा है, लेकिन हमारी इच्छा से बड़ी इच्छा कृष्ण की है, क्योंकि हम प्लान बनाते हैं, कृष्ण का मास्टर प्लान होता है. तो माता जी कुछ ऐड करना चाह रहे थे, प्लीज माता जी. हरे कृष्णा. तो जैसे माता जी ने बताया, सुंदरी गोपी माता जी ने बताया कि उनके भाग्य में जॉब बिल्कुल नहीं था. मेरे केस में भी सेम है. मैंने मास्टर डिग्री किया, फिर बाद में मैं भी मैंने बहुत जगह अप्लाई किया, इवन लिंक्डइन में भी मैंने रजिस्टर करके रखा था कि जॉब आएंगे. टाइम्स जॉब में भी मैंने अप्लाई करके रखा था, पर ऐसा मेरा भाग्य था कि मुझे कभी जॉब नहीं मिला. फिर बोल सकते कि दुर्भाग्यवश, या फिर कृष्ण भगवान ने सोचा कि हाँ चलो, इतने मांग रही है कि करना है तो दे ही देते. तो मैंने फिर एमएनसी में काम किए हैं. फिर बाद में ऐसा मुझे सुविधा हो गई कि एमएनसी में काम करके ऐसा सिचुएशन डेवलप हो गया था, जैसे आपने बताया कि माता जी बनी नहीं है बाहर काम करने के लिए, तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया था जिसमें आई हैड टू लीव द जॉब, क्योंकि माता जी ज़्यादा सुंदर दिखने लगे या फिर कुछ और है, तो ये कलयुग है. exactly. तो उस हिसाब से यू हैव टू स्टेप बैक. तो वैसा था कि मैंने स्टेप बैक किया. फिर बाद में मैंने आर्ट गैलरी में अपना आर्ट, मैं आर्ट टीचर भी हूँ, तो बचपन से मुझे बहुत आशाएं थी और इच्छा थी कि मैं फाइन आर्ट्स में पढ़ाई करूँगी, फिर ड्रेस डिजाइनिंग करूँगी. तो वो मेरी माँ मुझे बोलती थी कि पहले आप बेसिक कर लो. तो मैंने माँ के कहने पर, मैंने माता जी के कहने पर मैंने बेसिक बीएससी किया. फिर मेरी माँ ने बोला कि नहीं, एमएससी कर लो. एमएससी किया तो अगर तुम्हारा फैशन डिजाइनिंग में कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट एमएससी है एंड यू कैन गेट द जॉब एनीवेयर. तो उस हिसाब से मैंने एमएससी भी किया. अब एमएससी किया तो फिर बाद में मम्मी ने बोला कि ठीक है, थोड़ा फोरेंसिक साइंस कर लो, जो ऑन गोइंग है, बहुत हॉट टॉपिक है. तो फोरेंसिक साइंस भी मैंने कर लिया. अब मेरी मम्मी ने बोला कि चलो अब शादी. तो उस हिसाब से मैं शादी के बाद एमएनसी में काम करके आई यूज टू वर्क इन, मैं प्रोड्यूस माई आर्ट इन गैलरीज. तो उसमें भी अच्छा लगा कि आर्ट बिख रहे थे तो अच्छा लगा. फिर मेरे पति भी बोलते थे कि मास्टर डिग्री तुमने किया है तो क्या घर में कढ़ाई घुमाने के लिए किया है, कुकिंग ही करती रहोगी, बाहर जाओ, खुद का ये यूज़ करो, मास्टर डिग्री को यूज़ करो. तो मुझे थोड़ा खराब लगता था. फिर अभी माता जी ने जैसे बताया कि लॉर्ड कृष्णा डिडंट वांटेड हर टू गेट जॉब, सेम हियर. मैं इतना ट्राई करती थी कि मुझे जॉब नहीं मिला, तो वो एक अच्छी बात है कि कुछ होना था, कुछ खराब होना था, उससे अच्छा है कि घर में बैठी रहिए. कृष्ण भगवान ने वही हेल्प किया. पर जो शास्त्र में बोला गया है कि माताओं को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, उनको पति देव को हेल्प करना चाहिए ताकि वो अग्रसर हो जाए कृष्ण भक्ति में, डिवोशन में और आगे बढ़े. और माताओं को ये भी बोला गया है कि वो पति देव को सब तरीके से हेल्प करे ताकि उनमें कंपैरिजन ना हो या फिर ईगो क्लैशेस ना हो कि हाँ मेरे पति देव इतना कमा रहे, मैं क्यों नहीं कमा सकती. माता क्या करेंगे, वो भटक जाएंगे, दूसरे रास्ते में भटक जाएंगे टू गेन मोर मनी. फिर ये भी है कि डेजिग्नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे पति ने मैनेजर का रोल ले लिया, ही गॉट द जॉब इन मैनेजर पोस्ट, तो मुझे भी उनसे आगे बढ़ना है. तो वो एक बहुत ज्यादा कंपैरिजन का बात आ जाएगा. तो उसमें क्या होगा, पूरा हमारा जो लाइफ है वो पूरा बिखर जाएगा. देयर विल बी अ डिवोर्स व्हिच इज ऑन गोइंग इन अ वेस्टर्न वर्ल्ड. तो वो एक मेन कारण है कि माताएं खुद को इतना इंडिपेंडेंट सोच रही है, इतनी स्वाधीन सोच रही है कि
वो मतलब जॉब करना चाहती है, बट शास्त्र में जो लिखा है कि नहीं जाना चाहिए, तो हरे कृष्णा। ओके, तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर आया है। मैं अपरूपा माता जी से एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी। माता जी, मैं अपने स्टूडेंट्स को जिन्हें मैं टीच करता हूँ उन्हें कैसे जोड़ूं, क्या क्या एक्टिविटीज करूँ जिससे वो कृष्ण से कनेक्ट हों, प्लीज इसके लिए कुछ बताइए। अभी कृष्ण की कृपा से एक टीचर बना हूँ, आई मीन कोई प्रभु जी आई थिंक जो पूछ रहे हैं वो टीचर हैं, और वो जानना चाह रहे हैं कि वो किस प्रकार से अपने विद्यार्थियों को इस चीज के लिए प्रेरित करें कि वो लोग कृष्ण से भी जुड़ सके, एट द सेम टाइम वो स्टडीज भी करें और कृष्ण से भी जुड़ जाएं। नहीं, हरे कृष्णा, इट्स वेरी रिलेटेबल क्वेश्चन क्योंकि हम भी टीचर ही हैं। दैट्स तो पर हमारा एक सुविधा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी डिवोटीज हैं, कुछ तो हमसे भी अच्छे डिवोटीज हैं शायद। तो पहली चीज ये है कि बच्चों को प्रेरणा देने से पहले डिवोशन का, जैसे सुंदरी को भी माता जी बता रही थी कि आप खुद करते हैं हम, तो उससे बच्चे प्रभावित होते हैं। जी, जब हम खुद, जब आप खुद चैंटिंग करना शुरू कर देंगे, खुद खुद तिलक करके जाना शुरू कर देंगे, तो इससे बच्चे प्रभावित होके, बहुत इंक्यूजिटिव माइंड होता है बच्चों का सवाल पूछने का। तो जब आप अपने एक्टिविटीज में भक्ति दिखाना शुरू करते हैं तो वो इंक्यूजिटिवनेस के कारण जो एक पूछने का एक उनको एक ये आदत होती है, वो पूछ के पहले वो आपको पूछेंगे, सवाल करेंगे, और वही हमें चाहिए होता है कि कोई सरेंडर होके पूछे पूछे। तो जब आप आपसे पूछते हैं, दैट इज द बेस्ट वे, देन यू कैन स्टार्ट एक्सप्लेनिंग कि क्या है कैसा है। दूसरा चीज ये है कि जब, जैसे हमें हमारे स्कूल में सिखाया जाता है कि हम हर बात को लेके कृष्ण पे एंड कर देते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नीदर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जस्ट लाइक सोल। सोल का भी कोई क्रिएशन नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में जाता रहता है। ऐसे हर टॉपिक को हम कहीं ना कहीं लेके कृष्ण पे छोड़ देते हैं, तो बच्चे भी हमारे उसी टाइप के ही रिप्लाई करना शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि बच्चे भी, हम पूछते हैं कि कल हमने आपको होमवर्क दिया था और आपने किया नहीं, तो बोलना सुना कलयुग है मेमोरी माता जी, कलयुग में तो सब कम कम याद रख पाते हैं, तो हम भूल गए कि होमवर्क है भूल गए। तो बेसिकली आप जब डेली प्रैक्टिस में, अगर पहले तो खुद करके अपनी अच्छे धर्म जीव रहे सिखाओ, तो अगर आप खुद से आचरण करते हैं तो बच्चे इंक्यूजिटिव होकर पूछते हैं। और हम कोशिश कर सकते हैं कि हर बात को, जैसे हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं, हम अगर लाइट एनर्जी कुछ भी पढ़ा रहे हैं कोई भी टॉपिक पे, वो टॉपिक एंड में या फिर बिगिनिंग में, बीच में हर टाइम यही बोलते रहना है कि ये भगवान का ही क्रिएशन है। और कभी कभी अपना सरेंडरेंस मान लेना चाहिए, क्योंकि भौतिक साइंस जो है वो इनकम्प्लीट है। वैदिक साइंस जैसा कंप्लीट है, सब आंसर्स है, भौतिक साइंस के पास 99% आंसर्स नहीं है। हमें पता है केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, ये नहीं है वो नहीं है। सिमिलरली फॉर फिजिक्स, जिसको एक्स मान लो उसको वाई मान लो, सिमिलरली फॉर बायोलॉजी, हमें पता नहीं, हम एंटायर प्रोसेस पढ़ लेते हैं फिर पता चलता है कि सेल किसी ने देखा नहीं है, देखा है तो उसके अंदर डीएनए किसी ने देखा नहीं है, पर हम उसके बारे में इतना कुछ पढ़ रहे होते हैं, या फिर देखा है तो श्योर नहीं है कि वही देखा कि कुछ और देखा। कभी हम देखेंगे कि हम थ्योरी के ऊपर बस पढ़े जा रहे हैं, इसमें कोई लॉ ही नहीं है, बाद में पता चलता है 5 साल पढ़ने के बाद कि भाई थ्योरी तो मनगढ़ंत हो सकती है। कभी चार्ल्स डार्विन का निकाल दिया, अभी प्रेजेंटली सीबीएसई निकाल दिया, और हम बचपन में कितना मुश्किल से चार्ल्स डार्विन याद रखे थे और अभी सब निकाल रहे हैं। तो इट्स ऑलवेज इनकम्प्लीट। तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बताना चाहिए ये चीज कि हम पढ़ा रहे हैं, ये पेट पूजा के लिए ही है, ये असली साइंस नहीं है। उसके लिए आपको खुद वैदिक साइंस से थोड़ा ताल्लुकात रखना चाहिए, ताकि बच्चों को आप दिखा सको कि वैदिक साइंस इज हाउ मच करेक्ट इट इज एंड हाउ मच सुपरफिशियल इज मटेरियल साइंस। उसके लिए दोनों तरफ से आपको ज्ञान होना चाहिए, भौतिक और आध्यात्मिक, ताकि आप बच्चों को हर बात पे ये चीज धीरे धीरे बैकअप देते रहो कि भाई ये पेट पूजा के लिए है, ये एक्चुअल साइंस है हमारा। तो मैं तो जो इन्होंने कहा, मैं तो टीचर नहीं हूँ, मगर मैं ये करती थी जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती थी, जहाँ भी अजम्पशन आया तो वहाँ मैं क्लियर करती थी, बिना अजम्पशन के मटेरियल साइंस नहीं चलता है, कुछ तो अज्यूम करना पड़ता है, पर स्पिरिचुअल फाउंडेशन एकदम पक्का है। मैं एक एक सिर्फ छोटी सी चीज याद ऐड करना चाहती हूँ, जो मैं कोशिश करती थी और अभी भी करती हूँ बच्चों के साथ। बच्चों के साथ दोस्त बनना है, दोस्त बनना है, और मस्त फन वे में उनको, बच्चे सीरियसली कुछ भी फिलोसफी डाइजेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर यू नो मोस्टली उनको फन वे में करो। आप उनकी लेवल पे जाके थोड़ा जोकिंगली एंड ऑल, कड़क बन के और थोड़ा सा ग्रेव बन के,
तो आप दोस्त बनेंगे ना तो वो भी आपको अपने जैसा समझेंगे, फिर दिल खोल बात करेंगे, दिल खोल सवाल भी पूछेंगे, क्रिटिसाइज भी करेंगे, मगर फिर आपको एटलीस्ट दरवाजा है कि अंदर जाके उनके दिल में सवाल का जवाब देख कर आ सकते हैं, नहीं तो फिर दरवाजा बंद हो जाता है उनका दिल का, तो फिर यू नो फिर आप कितना भी प्रॉपर लॉजिक बोलो या कुछ भी बोलो, शास्त्र बोलो, श्लोका बोलो, वो बंद हो जाता है. राइट, सो दोस्त बनिए और मैजिक देखिए. वेरी नाइस. तो देखिए सुंदरी माता जी ने जो आंसर दिया है, तो आई होप प्रभु जी जो भी आप हैं आपको ये आंसर सेटिस्फाइड आपको लगा होगा. और देखिए ऐसा है कि जैसे कि सभी माता जी ने कहा कि बच्चों को आप कुछ बोलेंगे तो वो नहीं सीखने वाले हैं, आप बोलेंगे कि आप जब कीजिए तो वैसे नहीं होने वाला है. यू हैव टू प्रैक्टिस योर सेल्फ, आपको देख देख कर वो खुद ही सीख जाएंगे और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि वो आपसे भी दो कदम आगे निकल जाएंगे. तो वो दिन भी आएगा आपके जीवन में. हम प्रार्थना करेंगे भगवान से आपके लिए. तो आज के शो को हम यही विराम देंगे. क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, हम लोग सारे क्वेश्चंस नहीं ले पाए क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही ज्वलंत है. अभी जो है माता जी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं क्योंकि गृहस्थ में कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ ही जाती है कि उनको काम करना पड़े और सोसाइटी देखा जाए तो अलाउ नहीं करती है या कुछ तो भी ऐसी चीज़ें हैं. तो ये सब बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स हैं. तो हम नेक्स्ट वीक भी इसी पर बात करना जारी रखेंगे. आज यहीं तक, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय. तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जय जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय.